हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा टॉपिक करेंगे, मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आ गया आपका बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या आ जाएगा? बिहेवियरल का मेन फोकस आ जाता है आपके ओवर्ट बिहेवियर पे। ओवर्ट बिहेवियर आ गया आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उसको आप कैसे चेंज करते हो, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज है इसके अंडर। सेकेंड आ गया आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मेन फोकस है कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे, जैसे कि मेमोरी, थॉट, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारा किस में आ गया आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में। फिर थर्ड आ गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मेन फोकस है कि बायोलॉजिकल इवेंट और जो प्रोसेस हैं उन पे, और वो कैसे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, कम रिलीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, हार्मोन्स आ गए इसमें, ब्रेन का आ गया, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। फिर आ गई इवेल्यूशनरी, इसका मेन फोकस है पॉसिबल रोल ऑफ इवॉल्व साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म इन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि जो आपका जो इनहेरिटेड टेंडेंसी है वो कैसे आपके एवोल्यूशन को शेप देती है, कि कैसे, मतलब कैसे सिंपल चीज़ों से आज जो ह्यूमन बीइंग बना है वो कैसे कैसे होके क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं, उसमें कैसी कैसी डेवलपमेंट हुई हुई है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल का मेन क्या होता है? फोकस ऑन चेंज इन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ओवर द लाइफ स्पैन। मेन फोकस है इसका कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके बिहेवियर में, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में, आपकी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। इसमें आपके फिजिकल चेंजेस भी आ जाएंगे। फिर आ गया आपका साइकोडाइनमिक्स। साइकोडाइनमिक्स का मेन फोकस क्या था? जो हिडन और आपके अनकॉन्शियस और इंटरनल प्रोसेस हैं उन पे, जो आपके अनकॉन्शियस मोटिव हैं, मेन फोकस जो साइकोडाइनमिक्स था उसका उस पे ही था। फिर लास्ट आ गया आपका सोशल एंड कल्चरल। इसका मेन फोकस क्या है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। क्या क्या आपके सोशल और कल्चरल फैक्टर हैं जो आपके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। कभी कभी जैसे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें इसको सिंपल से पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।